ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नित्य। मित्रों, बिजनेस श्रृंखला के अंतर्गत आजकल हम कुछ चमत्कारिक वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज बात करते हैं चमत्कारिक बांसुरी की। बांसुरी काष्ठ वाद्य परिवार का एक संगीत उपकरण है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक बिना नरकट वाला वायु उपकरण है। बांसुरी पूर्वकालीन ज्ञात संगीत उपकरणों में से एक है। करीब 40,000 से 45,000 साल पहले की तिथि की कई बांसुरियां जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई हैं। यह बांसुरियां दर्शाती हैं कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव के प्रारंभ से ही अस्तित्व में थी। खोजी गई सबसे पुरानी बांसुरी एक भालू की जांघ की हड्डी से बनी हुई है, जिसमें चार छेद है। यह स्लोवेनिया के डिजवे वेब में पाई गई है और 43,000 साल पुरानी है। पाषाण काल में इंसान बांसुरी गिद्ध की हड्डी से बनाते थे। चाहे लकड़ी की हो, बांस की या धातु की या हड्डी की बनी हुई बांसुरी को दुनिया के सभी देशों में पसंद किया जाता था। भारत में बांसुरी को कृष्ण जी की मुरली कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसी बांसुरी बजाते थे कि सभी जड़ चेतन उसमें लीन हो जाते थे। बांसुरी भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। बांसुरी के ज्योतिषीय प्रयोग भी हैं। मान्यता है कि बांसुरी अनाज के बर्तन में डालकर रखने से कभी अनाज की कमी नहीं होती। घर में बांसुरी बांधकर लटकाने से घर के सभी तरीके के वास्तु दोष दूर होते हैं। बांसुरी के ऊपर 7 मोरपंख बांधकर घर में रखने से आने वाली विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि जन्माष्टमी में श्री कृष्ण जी के डोल में बांसुरी बांधने से वर्ष भर आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। बांसुरी को घर में रखना अत्यंत शुभ है। इसको रखने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूरे घर में बनी रहती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी की मुरली बहुत ही चमत्कारिक है। इसको आप ज्योतिषी रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यह धन धान्य दिलाने वाली है और चमत्कारिक प्रभाव देने वाली है। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।